छोटी काशी मंडी का दिल कहे जाने वाले इंदिरा मार्केट में फौजियों के लिए शहीद स्मारक तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन अब उसका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। एक्स सर्विसमैन लीग के जिलाध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार और प्रशासन के द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी तथा अन्य खास मौकों पर शहीद स्मारक की सफाई और उसके रखरखाव करवाया जाता है, लेकिन उसके पश्चात शहीद स्मारक पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के उचित रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शिमला में एक ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार और मंडी प्रशासन द्वारा शहीद स्मारक की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नेताओं द्वारा फौजियों के लिए कई घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन उसके पश्चात उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कारगिल पार्क की भी हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके लिए सरकार ने 20 लाख की घोषणा की थी, लेकिन पूर्व सैनिकों को अपना कार्य करवाने के लिए परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में विभाग में सिर्फ 2 वेलफेयर ऑर्गेनाइजर एवं 1 JOA ही जिला भर में पूर्व सैनिकों, वार विडोज, विडोज व आश्रितों के कार्यों का निपटारा कर रहे हैं, जिससे पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों व उनके आश्रितों को अपना काम करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जिला सैनिक कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का 2.5 साल से व 4 सालों से सुपरिटेंडेंट, सीनियर और जूनियर असिस्टेंट सहित क्लर्कों के पद भी काफी समय से खाली चल रहे हैं, जिन्हें भी शीघ्र भरा जाना चाहिए, ताकि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित मामले व वेलफेयर स्कीमों सहित अन्य कार्यों को निपटाने में उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज वो बार मेमोरियल है संकल गार्डन में, उसकी बहुत ही दयनीय हालत है। ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही जो PWD है जिनके अंडर कंस्ट्रक्शन हुई है वो उसका ध्यान रखते हैं, ना ही इनकी मेंटेनेंस करते हैं। इसके पोल गिरे हुए हैं, नेम ब्लेड गिरी हुई है, साफ सफाई नहीं हो रही है। अभी कारगिल दिवस हमारा आने वाला है 26 जुलाई को, तो उसमें ये सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इस जो बार मेमोरियल बना है, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित और शोभित हमारे जो फौजी शहीद हुए हैं उनकी मेमोरी में बना है, उनके नाम लिखे हुए हैं, और ये एक प्रकार की बहुत ही तोहीन है हमारे फौजी समाज के लिए, और इसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा स्टाफ। अगर हमें सिर्फ याद किया जाता है जब कोई इलेक्शन कंपेन होती है, इलेक्शन होता है उस दौरान हमें बहुत ज़ोर शोर से याद किया जाता है और हमारी माइलेज ली जाती है वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद हमें भूल दिया जाता है। हमारे दूसरी बात, हमारी जो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड है वहाँ पर हमारे साथ पिछले 7-8 साल से जो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक बिना हेड के जो है ऑफिस चल रहा है, वहाँ पर टोटल पोस्टेड स्ट्रेंथ जो है एज पर अथोराइजेशन 10 होनी चाहिए, जबकि आधा स्टाफ है वहाँ पर, 5 बंदे हैं वहाँ पर इंक्लूडिंग डिप्टी डायरेक्टर 2 PM तक, लेकिन वहाँ 5 बंदे काम कर रहे हैं। और उस ऑफिस की हालत देखो आप, फाइलें कहाँ पड़ी है, साफ सफाई नहीं, किसी का कोई इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, कोई फौजी बंदे हमारी वॉर विडो दूरदराज एरिया से आते हैं, उनके जो क्लेम्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, विदाउट डायरेक्टर कैसे काम चलेगा। तो ये चीज़ें हमने CM साहब को बताई है, कई बार हमने रिटर्न में ज्ञापन दिया है, न्यूज़पेपर में दिया है, DC साहब को, जो पहले DC थे हमारे श्री रेगवर ठाकर जी, उनके साथ हमने मीटिंग भी की है, और जो क्वार्टरली मीटिंग होती है हमने डिस्कस की है, बहुत जोर शोर से डिस्कस की है, और हमने CM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है शिमला जाकर इसके बारे में, लेकिन इसके बावजूद, इतना बोलने के बावजूद जो है कुछ ग्राउंड में कोई भी कार्रवाई नहीं होती।